रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए निकासी की सीमा तय की है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक की आर्थिक हालत को देखते हुए की। इसकी सूचना आते ही यस बैंक के ग्राहकों में बेचैनी बढ़ गई है। इस दौरान यस बैंक की नेट बैंकिंग और एटीएम सेवा भी बंद हो गई। इससे यस बैंक के खाताधारकों को चिंता और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि आरबीआई का ये आदेश अगले एक महीने के लिए है। इसका मतलब ये है कि यस बैंक के ग्राहक एक महीने तक सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकेंगे। निर्भया के गुनेगारों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। दोषियों के पास सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर शिकंजा कसते हुए पूर्व एसबीआई सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक की आर्थिक हालत को देखते हुए किया है। बता दें कि यस बैंक बीते कुछ समय से फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे पहले यह खबर आई थी कि सरकार ने देश की सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कहा है। यस बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी की खबर से बैंक के शेयर्स में 25% से अधिक की तेजी आ गई। करीब 15 साल पहले शुरू हुए यस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं। बैंक पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो वहीं शेयर भी टूट रहा है। दिल्ली दंगे का सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया है। 24 फरवरी को चांदबाग में हुए हिंसा का यह वीडियो है। इस पॉइंट को डीसीपी अमित शर्मा लीड कर रहे थे। उनके साथ बहुत कम संख्या में पुलिस बल था। सीए का विरोध कर रहे लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। वीडियो में महिलाएं भी पथराव करती नजर आ रही हैं। हमला कर रही भीड़ के बीच पुलिसकर्मी फंस जाते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर भीड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को बुरी तरह से पीटा था और उन्हें बचाने के प्रयास में हवलदार रतनलाल शहीद हो गए। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने के आरोप में आरोपी ताहिर हुसैन ने सरेंडर कर दिया है। आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर किया। ताहिर हुसैन के खिलाफ हिंसा में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं उस पर हिंसा करवाने का भी आरोप है, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी में सीए और एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट जल्द दायर होगी। डीजीपी ने जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करने को कहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में 343 मामलों में चार्जशीट दायर होगी। हिंसा को लेकर राज्य भर में 343 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं अब तक 550 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बताते चले कि मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई थी। उसके बाद से ही मौसम विभाग ने कहा है कि 7 मार्च तक कई इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं। बारिश के बावजूद अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में आने वाले 2 दिन काफी ज्यादा शुष्क रहेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली का तापमान 27 से 28 डिग्री तक बना रहेगा। होली को लेकर पूरे ब्रज रंगों में रंगा हुआ नजर आता है। नंद भवन में भगवान और भक्तों ने ऐसी होली खेली जिसे देखने के बाद हर कोई निहाल हो गया। नंद भवन के पुजारी यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर पारंपरिक पिचकारियों से रंग बरसाते हुए नजर आए और हर कोई भगवान के रंग में रंगा नजर आया। माना जाता है कि श्रद्धालु सीधे भगवान के साथ होली खेलते हैं, जिसके लिए भगवान खुद अपने गर्भगृह को छोड़कर बाहर ब्रामते में विराजमान हो जाते हैं। खास बात यह है कि मथुरा में होली पूरे 45 दिन तक चलती है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में गुरुवार को सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी पहुंची। इस दौरान उन्होंने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की जनसुनवाई की। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कानपुर में कोरोना वायरस से बचने के लिए कुलियों और सुरक्षाकर्मियों को मास्क बांटे गए। दरअसल कानपुर सेंट्रल पर रोज सैकड़ों ट्रेनों का आवागमन होता है। ऐसे में लाखों की तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिस वजह से वायरस फैलने की संभावना अधिक बनी हुई है। लिहाजा स्वास्थ्य संस्थानों ने बचाव के लिए मास्क बांटे। भदोही में कोरोना वायरस को लेकर साधु संतों और स्थानीय लोगों ने हवन किया। लोगों ने इस मौके पर ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस खत्म हो जाए। इसके साथ ही लोगों ने कहा है कि हवन में जिन सामानों का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, जिस वजह से हवन के धुएं से कई तरह के रोग दूर हो जाएंगे।
उदयपुर के बकेवर इलाके में पुलिस ने मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा है। दरअसल सेल्स टैक्स के अधिकारी मवेशी से भरे ट्रक का पीछा कर रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। आरबी पुलिस को देखकर ट्रक चालक और खलासी मवेशी भरे ट्रक को छोड़कर भाग निकले। पीछे से आ रही दूसरी ट्रक की टक्कर से सिपाही जगरूप प्रसाद की मौके पर मौत हो गई। सिपाही की मौत पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि जिस ट्रक से हादसा हुआ है उसके ड्राइवर और को गिरफ्तार कर लिया गया। बांदा जिला पंचायत कार्यालय में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सभी ग्राम पंचायतों के अभिलेखों को चेक किया गया। पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किए गए खर्च में होने वाले टीडीएस कटौती को लेकर टीम ने छापा मारा, जिसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। गौड़ा सेक्टर 12 के ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के आरोपी नाशिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाशिर ने 13 फरवरी को शोरूम में घुसकर एक ज्वेलर को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। नाशिर के ऊपर पहले से ही 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान नाशिर से पुलिस ने लूट की ज्वेलरी, हथियार और बाइक बरामद की। सपा सांसद आजम खान को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। आजम खान को कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। रामपुर कोर्ट में आज और कल आजम की पेशी है, जिसके चलते उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। उन्हें यहां पर एक अलग बैरक में रखा गया है। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दरअसल कुछ बदमाश युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली पीड़ित को नहीं लगी, लेकिन बदमाश हड़बड़ाहट में अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्रियां सुर्खियों में हैं। दरअसल एसएसपी अभिषेक यादव ने अवैध तमंचा और अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके चलते पुलिस ने 10 दिनों में 4 अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसके बाद एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध तमंचा फैक्ट्री के पकड़े जाने की जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान भी मुजफ्फरनगर का अवैध तमंचा सुर्खियों में बना रहा। पुलिस ने फैक्ट्री से 33 तैयार तमंचे बरामद किए। होली के नजदीक आते ही रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रेनों में बड़ी भीड़ को देखते हुए आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मॉकड्रिल किया गया। सिविल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही मॉकड्रिल किया। स्टेशन पर बम पाए जाने की दिशा में किस तरह भीड़ मैनेज करनी है और कैसे इस बम को डिफ्यूज करना है, इसके लिए रिहर्सल की गई। पंद्रह मार्च को मिर्जापुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर ली है। इसको लेकर डीएमएसपी समेत कई अधिकारियों ने देवरवा बाबा स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। सुरक्षा को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देवरवा बाबा के दर्शन भी वो करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बिरला हॉस्टल के नेत्रहीन छात्रों ने होली गीत गाकर खूब वाहवाही लूटी। नेत्रहीन होने के कारण भले ही इनके जीवन में कोई रंग ना होने के बावजूद भी ये गीत संगीत के माध्यम से दूसरों के जीवन में रंग भरने का काम कर रहे हैं। नेत्रहीन इंद्रजीत साकेत डीएचयू की कला सांकेत में प्रिय प्रथम वर्ष के छात्र हैं। बताते चले कि इंद्रजीत कई कलाकारों की आवाज निकाल सकते हैं, हिंदी गानों की धुन पर संस्कृत में गाते हैं। इसके अलावा वाद्य यंत्रों की तरह हाथों से बजाने का हुनर भी कमाल का है। भदोही जिले में डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी के नाम पर दिलीप जायसवाल नाम के व्यक्ति से 15 लाख की ठगी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार ठगी करने वाले इस गिरोह ने देश के विभिन्न इलाकों में कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। ठगों के पास से पुलिस ने 2,92,000 की नकदी के साथ 20 मोबाइल, 42 सिम, 28 एटीएम कार्ड, 4 चेकबुक, 2 लैपटॉप समेत अन्य सामान भी बरामद किया। शामली में कोरोना वायरस से बचने के लिए बच्चों को जानकारी दी गई। यहां के बंतीखेड़ा स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय में टीचरों ने वायरस से बचने के उपाय बताए। चीन से फैले इस खतरनाक वायरस ने भारत में अपने पैर पसार लिए हैं, जिसको लेकर शामली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। होली के नजदीक आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल हापुड़ में सिटी कोतवाली इलाके के एक मकान में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर वहां बन रहे नमकीन को पकड़ा और जांच के लिए सैंपल भेज दिया। खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि जो नमकीन बनाई जा रही है उसमें चमक लाने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग किया गया है। नमूनों की जांच हेतु के लिए भेज दिया गया है। खाद्य विभाग ने नमकीन फैक्ट्री में छापा मारा।
कोरोना के कहर से जहां एक तरफ लोगों में भय का माहौल है तो वहीं कोरोना का असर मार्केट में आने वाली चाइनीज पिचकारी पर भी पड़ा है। इस बार कोरोना के चलते चाइनीज पिचकारियां बदायूं की मार्केट में नहीं आ रही, जिससे लोगों को इस बार तरह तरह की पिचकारियां नहीं मिल पा रही। वहीं जो पिचकारी मार्केट में उपलब्ध है उनकी बनावट में अच्छी फिनिशिंग नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर तमाम जगह पर अलर्ट जारी रखा गया है। ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की किल्लत मेडिकल स्टोर पर होनी शुरू हो गई। नोएडा के मेडिकल स्टोर पर हैंड सैनिटाइजर मिलना बंद हो गया है। वहीं मास्क को लेकर मेडिकल स्टोर के चक्कर काटे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नोएडा में मेडिकल स्टोर पर ना मास्क मिल रहा है और ना ही हैंड सैनिटाइजर। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद होली के त्यौहार को देखते हुए देर रात करीब 3 घंटे नोएडा पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। इस दौरान पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जगह जगह पर रोड पर पुलिस ने गाड़ियों को रोककर लोगों को चेक किया। चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की गई। बताते चले कि कल ही कमिश्नर आलोक सिंह ने क्राइम मीटिंग की थी, जिसमें सभी अधिकारियों और थाना इंचार्ज को क्राइम कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए। 3 घंटे चले चेकिंग अभियान के दौरान करीब 382 लोगों पर कार्रवाई की गई। प्रयागराज में अभी तक कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों और स्कूलों के बाद अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर इन जगहों की खास सतर्कता बरती जा रही है। सबसे ज्यादा सतर्कता बमरोली एयरपोर्ट पर बरती जा रही है। यहां आने वाले सभी यात्रियों को ग्रुप में जागरूक किया जा रहा है, उन्हें इसके बारे में लक्षण भी बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें अलग अलग शिफ्टों में लगातार लोगों का चेकअप कर रही हैं। गाजियाबाद में भी कोरोना वायरस ने एंट्री की है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। गाजियाबाद के सीएमओ एनके गुप्ता के मुताबिक 23 फरवरी को तेहरान से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले व्यक्ति वापस गाजियाबाद आए थे, जिसके बाद उन्हें फीवर की शिकायत थी। इस बात की जानकारी गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग को 3 मार्च पता चली। स्वास्थ्य विभाग ने फौरन व्यक्ति को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने पास आई। रिपोर्ट में व्यक्ति विशेष को कोरोना वायरस पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। मेरठ में साइबर सेल और मबाना पुलिस ने नौकरी के नाम पर युवाओं से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के 4 साथी फरार हैं। खास बात यह है कि आरोपी बेरोजगारों के मोबाइल पर लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस वसूली करते थे। बताते चले कि मबाना निवासी एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्नाव में होली को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। होली से पहले उन्नाव रेलवे स्टेशन पर बम मिलने की सूचना पर पुलिस और बम स्क्वाड ने मॉक ड्रिल किया। बताते चले कि सूचना के बाद भारी फोर्स ने मॉक ड्रिल किया। स्निफर डॉग के साथ ट्रेन में चेकिंग भी की गई। चेकिंग के दौरान ट्रेन को चेक किया गया। वहीं स्टेशन में मौजूद यात्रियों के सामान भी तलाशी ली गई। स्टेशन पर चेकिंग और मॉक ड्रिल के दौरान सीओ जीआरपी भी मौजूद रहे। लखनऊ में डायल 112 में स्वाभिमान महिला सुरक्षा कानूनी और सामाजिक पहलू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस कमिश्नर ने छात्राओं को अपराध के खिलाफ जागरूक किया। इस मौके पर एडीजी डायल 112 असीम अरुण और एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा भी मौजूद रही। इसके साथ ही आपको बताते चले कि छेड़छाड़, रेप, एसिड अटैक और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों की जांच के साथ पुलिस इन अपराधों की शिकार महिलाओं की मदद भी करेगी। इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस ने वन विक्टिम वन ऑफिसर योजना बनाई है। बाराबंकी में बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई उसने फसलों को नुकसान कर दिया है। हालांकि जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि किसानों की बर्बाद फसलों का चिन्हांकन और मूल्यांकन कर रिपोर्ट भेजे, ताकि सरकारी सहायता उनको दिलाई जा सके। बताते चले कि पिछले 2 दिनों से बाराबंकी के कई तहसीलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। सचिवालय में बैठक का आयोजन दोपहर के 3 बजे होगा, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन को भी जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। बांदा में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। दरअसल चोरों ने शहर कोतवाली के बाबूलाल चौराहे से एक गाड़ी से चोरों ने लगभग 7 लाख लेकर रफ चक्कर हो गए, जिसके बाद प्रभार शहर के अलीगंज चौराहे में काफी देर हंगामा करते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
देवरिया के बरहच इलाके में सुभासपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में 7 अलग अलग पार्टियों से गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव जीतने पर प्रदेश में अपने आप को मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती तो सबसे पहले शराबबंदी व शिक्षा के साथ युवाओं को रोजगार देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य स्तर गरीब विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शहरों में मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था करने की बात कही। अमेठी में तेज बारिश ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं ने मौसम की रंगत बदल दी है। गुरुवार शाम को अचानक मौसम में बदलाव आया और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी होने लगी। हरदोई में मौजूद राजकीय संप्रेषण गृह में बीती रात एक किशोर कैदी के फरार होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से राजकीय संप्रेषण गृह के अधिकारियों की नींद उड़ गई तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने फरार हुए किशोर कैदी को जल्द से जल्द तलाशने का दावा पेश किया। बताते चले कि राजकीय बाल संप्रेषण गृह में सजल नाम का एक किशोर लखीमपुर का रहने वाला सजल कई धाराओं में जेल में बंद था। उधम सिंह नगर के खटीमा में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थलों के रूप में हुए अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खटीमा तहसील प्रशासन ने खटीमा क्षेत्र में चिन्हित धर्म स्थलों का अतिक्रमण कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में हटाना शुरू कर दिया। कई धार्मिक स्थलों को जहां प्रशासन के आदेशों पर स्वयं हटाया जा रहा है तो वहीं कई स्थानों पर प्रशासन जेसीबी के माध्यम से धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। मसूरी में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक पर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। देहरादून में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले दुशासित ठगों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। दरअसल जानी मानी एयरटेल कंपनी में तैनात कर्मचारी ने लोगों का आधार कार्ड का प्रयोग कर अपने साथी की मिली भगत से लोगों को लाखों का चूना लगा दिया। तो वहीं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपियों ने 18,63,000 की ठगी को अंजाम दिया। कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी में जापान से कुछ दिन पहले लौटे एक युवक में संदिग्ध लक्षण देखने के बाद उसके ब्लड सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि अभी तक कोरोना से जुड़े किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। कोरोना से जुड़े किसी भी खतरे को देखते हुए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 20 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और डॉक्टरों की एक टीम हर संदिग्ध मरीज की निगरानी कर रही है। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं कांग्रेस इसको माननीयों का पिकनिक स्पॉट निर्णय बता रही है। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कहा है कि गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी बनाने की घोषणा करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने लोगों को भ्रमित करने के लिए गैरसैंण को सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की जिसके बाद से ही विपक्ष सरकार की घोषणा का विरोध कर रहा है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए बीजेपी बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी गांव गांव तक इस बात को पहुंचाने का काम करेगी और मुख्यमंत्री के अभिनंदन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कोरोना वायरस से विश्व में हड़कंप मचा है तो वहीं भारत में दिल्ली नोएडा और आगरा में भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज भी मिले हैं। इसे लेकर कॉर्बेट प्रशासन पूरी तरह से बेखबर बना हुआ है। यहां आने वाले विदेशी सैलानियों की जांच पड़ताल नहीं हो रही। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विदेशी सैलानी काफी संख्या में आते हैं। ऐसे में विदेशी सैलानियों को लेकर कॉर्बेट प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई। बता दें कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक 2,35,000 विभिन्न प्रदेशों के सैलानी कॉर्बेट में घूम चुके हैं तो वहीं विदेशी सैलानी 5,000 से अधिक कॉर्बेट घूमने आए। दिसंबर से फरवरी तक 1,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी घूमकर चले गए हैं।
गैरसैंण को लेकर सीएम त्रिवेंद्र के फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इसमें गैरसैंण के बाद अब देहरादून में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया गया। बताते चले कि दोपहर 2 बजे सीएम पुलिस लाइन में पहुंचेंगे, जहां पर उनका कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब पीएनबी बैंक के मुखानी इलाके में लगे एटीएम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा एटीएम धू-धू कर जल उठा। देखते ही देखते एटीएम आग का गोला बन गया। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद एटीएम की आग में काबू पाया। बताया जा रहा है कि एटीएम में रखा हुआ कैश भी पूरी तरह से जल गया। फिलहाल बैंक के अधिकारी सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस बात का पता लगाने में जुटे हैं। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह है। उत्तराखंड में जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल का लगातार जारी है। इस दौरान कर्मचारियों ने उत्तराखंड शासन के प्रमोशन रोकने संबंधी शासन के आदेश की प्रतियां जलाई। मार्च महीने के शुरुआती हफ्ते में भी उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 मार्च तक फिर प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 7 मार्च तक प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। 7 मार्च तक पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल मुकाबला भारत और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। ये खिताबी मुकाबला रविवार 8 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से बांधत दूसरे सेमीफाइनल मैच में बाजी मारते हुए दक्षिण अफ्रीका को 5 रनों से मात दे दी और छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था, जिसके बाद मेजबान टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए।